हुजूर दी जलवा करी नहीं हुई। एक बादशाह गुजरिया यमन दा तुब्बा अल हिमयरी अल अव्वल, और भी तुब्बा आए ने, ये पहला है। बड़ी फौज इनके कोल, बड़ा लंबा चौड़ा लाओ लश्कर। इन्हें सोचा कि मैं दुनिया फतह ना कर लूं, दुनिया फतह करा। तबकात इब्ने साद के अंदर बात भी मौजूद है, और इसी तरह दीगर उलमाए सीगर ने लिखी। उन्हें कि मैं दुनिया फतह करा, एक लख ते कमो बेश 13,000 या 33,000 ऐसे लोग सन जेड़े घोड़िया ते सवार सन, ते लख तो उपर लोग वो सन जेड़े पैदल सन। 2.5 लख की फौज, बाकी लोग होर नाल वखरे। एडा लम्मा चौड़ा लाओ लश्कर जो किसी इलाके च वड़दा होवेगा ते एको वारी दहशत फैल जाती। इलाके फतह करता आ रहा है, इलाके फतह करता आ रहा है। जेड़ा इलाका फतह करता है औरतों को लौंडियां बना ले। चोटी के जेड़े उलमा होंदे सन ना, उन्होंने अपने उलमा की लिस्ट के अंदर शामिल कर दिया जाता। पहले बादशाह जेड़े होंदे सन ना, उलमा नाल लगाव रखते होंदे सन, ते उन्हां दा कोई ना कोई किबला दुरुस्त रहिंदा सी। अज दे वेलियां ने उलमा नूं जेलां च ताड़ छड्डिया, इत्थे खाओ दाल, उन्हां नूं दवाइयां भी नहीं पिया जान दिंदे, उन्हां नाल ना रवा सलूक किया जा रहा है। उलमा जेड़े अंबिया दे वारिस ने, खुश नसीब ने लोग जेड़े उलमा नाल प्यार करदे ने। लो जनाब, उन्हें इस तरह फतह करदा करदा बड़ा लंबा चौड़ा लश्कर मिलता रहा ते आंदा रहा। तो लोग डरते ही बाहर आ जाते हैं, सानू माफी दे दे, जिमें आखेंगे उवें कर लवेंगे। तो जो चलता चलता आया ना मक्के की सरजमीन ते, तो कोई भी ना आया। बादशाह का वजीर से अमारीस उसका नाम से। जो तो कोई भी ना आया तो उन्होंने बड़ा गुस्सा चढ़िया, जिंदी धौन जो सरिया हो गुस्से से फिर आते हैं, यार सारे मेरे अगर झुकते ने, यह कोई आया ही नहीं मेरे को। बड़ा गुस्सा वजीर ने बुलाया, खैर लोग इतने रेंदे भी ने कोई नहीं। वजीर ने जो जलाल वेखा, उन्हें कहा बादशाह सलामत, थोड़ा ठंडे होवो, इतने लोग रेंदे ने। अः फिर आया क्यों नहीं आके इन्हें मैंने मिले, क्यों नहीं इन्हें आके इन्नी गल की कि सानू कुछ ना आखे, जिम्मे आखोगे उवें कर लवेंगे। उन्हें कहा ठंडे होवो, मैं पता करना मैं माहौल की इतों का। पता पुता करके गया, वापस आया, बादशाह कहने लगा हाँ भी की पता किया। उन्हें आख्या जी पता किया है, अरब लोग ने, बद्दू ने, जाहिल ने, बस ध्याने तुने लगे रेंदे ने, एवें नहीं आए। अहे ध्याने कि लगे रेंदे ने? उन्हें आख्या रब का घर है, काबा उन्हें कहते हैं। तो ध्याने लगे रेंदे ने अपने कमां कारां दे अंदर मसरूफ, ते लिहाजा इस तो तेरा इस्तकबाल उन्हें नहीं किया। बादशाह बड़ा गुस्सा आया भी इस काबे की वजह तो इन्हें मेरा इस्तकबाल नहीं किया, गल नहीं की किसी ने, अजे ख्याल आया कि मैं काबे भी माजल्ला गिरा देना, इतों के लोगों भी कतल कर देना। जां इरादा किया तो सिर जितनी शदीद दर्द हुई, कन्ना विचों भी पानी पीप नुमा, नक विचों भी मूँह, जितनी कोई कोलों दे बदबू आवे कि बैठना कोई पसंद ना करे। तबीब नाल हुंदे सन, उन्हें आख्या इलाज करो इहदा, उन्हें हथ मुका दिती, जो जो उन्हें कोल जड़ी बूटी है सी उन्हें इस्तेमाल की, लेकिन उहदी सिर की दर्द ना रुकी और उहदी पीप खत्म ना हुई। आखिरकार सिर जुड़ के बह के कहन लगे ये जड़ी तकलीफ है ना, ये जमीनी नहीं गो आसमानी लगती है। उलमा जड़े सन बड़े जीरक ते दाना सन, बड़े चोटी दे आलम सन। जड़ा उन्हां दा सब तो वड्डा सरदार सी ना, उन्हें कोई चीज महसूस हुई। उन्हें बादशाह दे वजीर नाल मुलाकात कर की, कहन लगे जरा बादशाह नूं कह के मैं मिलना चाहवांगा, मिलांगा रात नूं ते मैं उन्हां दा इलाज भी करांगा। ते नाल उन्हें एक गल ये भी दस दे, इलाज तां करांगा जे मेरी गल मनेगा, जे गल लुकाई तो फिर इलाज नहीं होगा। बादशाह लीला पिया लैंदा सी कि मैनू कोई बचावे। जिस वेले उन्हें पता लगा, उन्हें कहा सद, जिस वेले सद्या गया ना चुप करे बह के बह गया आलमे दीन। बादशाह कहन लगा बोलता क्यों नहीं? कहन लगा इन साइड से कर, पहले तेरे कल गल करनी। उन्हें इशारा किया साइड से हो गए, हाँ बोल जल्दी कर मेरा इलाज कर। उन्हें कहा सब तो पहले एक गल दस, सच्ची दसी कि काबे नूं टाण दा इरादा तो नहीं कर रहा, किते काबे नूं टाण दा इरादा तो नहीं कर लिया? बादशाह दे होश उड़ गए, कहन लगा तेनू किन्ने दस्या? कहन लगा ए ना पुछ किन्ने दस्या, गल दस कीता कि नहीं कीता?
बादशाह ने इरादा किया होया सी किसे नाल गल नहीं की, लेकिन ओ आलिम दीन समझ गया। बादशाह बोला कह लगा गल सच्ची है, मैं काबे नू गिरान दा इरादा कर लिया है। सिर्फ काबे नू गिरान दा इरादा ही नहीं किया, मैं लोगों नू भी मारन दा इरादा कर लिया है। वो आलिम बोला कह लगा बादशाह अगर ठीक होना है तेनू काबे नू गिरान दा इरादा तर्क करना पैना है, तेनू तौबा करनी पैनी है, तेनू पता नहीं काबे की शान किन्नी है। हुण तौबा कर तेरी दर्द भी रुक जाएगी, तेरा पानी भी खत्म हो जाएगा। उत्थे बैठे आ बैठे आ उस बादशाह ने सच्चे दिल नाल तौबा कर ली। अपने आप दे अंदर कहिंदा मैं काबे की बेहुरमती नहीं करांगा, अगर मैं ठीक हो गया तो मैं काबे की इज्जत करांगा। जदों काबे नू गिरान दा इरादा छोड़िया, जदों सच्ची तौबा की, दर्द भी खत्म हो गई, पानी भी खत्म हो गया। आलमे दीन बोलिया कह लगा बादशाह हुण पता लगाई काबे दी की शान। कह लगा मैनू पता लग गया है। बादशाह खाने काबे गया, खाने काबे दा तवाफ भी कीता, खाने काबे दे उपर गिलाफ पहले नहीं सी चढ़ाया जांदा। सब तो पहले खाने काबे दे उपर गिलाफ भी इस ही बादशाह ने चढ़ाया सी। सात गिलाफ इन्हें काबे दे उत्ते चढ़ाए नहीं। वक्त गुजार के जो काबे तो चलिया, अपने लश्कर नू हुक्म दे दिता यगां चलो। सफर जारी, कई दिन सफर कर दे कर दे। एक ऐसे मकाम ते पहुंच गए जिथे आबादी कोई नहीं, एक को पानी वाला चश्मा है, उस चश्मे दा नाम यसरब। उथे जाके पड़ाव डाल दिता, उथे जाके अपने खेमे लगा दिते, नाल कह दिता इथे आराम कर लई आई, इथे चंद घड़िया गुजार के वापस चले जावांगे। जदों थकावट उतर जाएगी अगां दा आपां सफर करांगे। उलमा जिन्हां कोल पहलियां किताबां दा इलम सी, जिन्हां नबियां दियां किताबां विचों पढ़िया होया सी, रब दा यार आउणा है उन कित्थे आना है, कड़ी जगह ते आना है। जदों उलमा यसरब आ गए, जिहड़ा अज मदीना तुल मुनवर आई, उथों उन्हां नूं आखरी नबी दी खुशबू आई है, बड़ी रूहानी कैफियत बन गई। सारे उलमा 400 उलमा ने सारे इकट्ठे होके कुदूस नूं कहंदे ने मुबारक होवे, ए तां ओह ही जगह है जिथे रब दा यार आवेगा, इत्थे रब दा आखरी नबी आउणा है, इत्थे हिजरत करके आउणा है। साडा नसीब सानू लैके आ गया है, असा हुण वापस नहीं जाणा, इत्थे बैठ के नबी दा इंतजार करना है। जिस वेले बादशाह ने हुक्म दे दिता चलो तैयारी करो यगा जाना है, उलमा ने वजीर नूं बुलाया और बुला के कहन लगे जा बादशाह नूं कह दे असा इस जगह तो वापस नहीं जाना, असी बड़ी दूर तो बादशाह दे नाल चलते हुए आ रहे हां, असा हुण इत्थे ही रहना है, साडी मौत भी इत्थे ही आवेगी। जदों बादशाह नूं पता लगा कि मेरे उलमा ने जान तो इनकार कर दिता है, उन्हें वजीर नूं आख्या जा पता कर मैनू तो उलमा की लोड़ है, इत्थे क्यों रह रहे ने, इत्थे रहण दा मकसद कोई नहीं, इत्थे ते वसदा कोई नहीं, इत्थे रहना क्यों है। वजीर जदों उलमा दे कोल आया आके कहन लगा विचली गल दसो इत्थे क्यों रह रहे हो। आलमे दीन जिहड़ा वड्डा आलमे दीन सी जिहदी बादशाह नाल मुलाकात होई सी, ओ बादशाह दे वजीर नूं कहन लगा वजीरा हुण मैं तैनूं सारी गल सुना देवां। बादशाह दे सिर नूं दर्द क्यों होई सी, क्योंकि काबे नूं गिरान दा इरादा कीता सी। जदों काबे दी इज्जत कीती सू उदों उहदे दर्द नूं भी सुकून मिल गया, बादशाह भी ठीक हो गया। कहन लगा मेरे सामने सारा कुछ होया, अगली गल दसो तुसां इत्थों जाणा क्यों नहीं। ओ आलमे दीन बोला कहन लगा वजीरा बादशाह नूं जा के कह दे जिस काबे दी तू उत्थे अजमत करके आया है, जिस काबे उत्ते खिलाफ चढ़ा के आया है, उस काबे नूं वसाण वाला नबी इत्थे आवेगा, असां इत्थों नहीं जाणा, रब दा आखरी यार आवेगा। ओ पैदा ते मक्के होवेगा,
हिजरत करके ये सही जगह ते आवेगा। जिस वेले वजीर ने उलमा दे कोलो हुजूर दियां गल्लां सुनिया, अजे सरकार आए कोई नहीं, वजीर दा दिल कीता जे इन्हां नहीं जाना ते मैं भी नहीं जाना, बादशाह कल्ला जाना चाहे ते जा सकदा है। वजीर ने जाके उस बादशाह नूं सारी गल सुना दी, सारा दस दिता कि उलमा क्यों नहीं जा रहे, नाल ए भी दस दिता हुण मैं भी नहीं जाना। किताबां दे अंदर आंदा है बादशाह उलमा दे कोल आया, आके कहन लगा उलमा दसो गल की है, उन्हें सारी गल सुना दी। ओ बादशाह सरकार दियां गल्लां सुनी जा रहा है, गल्लां सुन सुन के कहंदा दसो ते सही उस नबी दी शान की है। मेरा विजदान कहंदा है शान बयान करदे होए दसदे होणगे सही अदों सरवर मुहम्मद नूर जान मेहतरो बेहतर शफी मुजरमान। उलमा ने बादशाह नू नबी दियां शाना सुनाया, ओ बादशाह बोलिया कह लगा ऐ उलमा जे तुसा नहीं जाना ते जाना मैं भी कोई नहीं। जे तुसा नहीं जाना ते जाना अजय आए नहीं दिल लग भी गया। जे तुसा नहीं जाना ते जाना मैं भी कोई नहीं। उन्हें आखा मम्मी इथे रहना वा एक साल तक, मैं इथे रह के तुहाडे नाल नबी दा इंतजार करांगा। हाय 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 नबी दा हुक्म दे दिता मकान बनाओ, 400 उलमा ने 400 मकान बन गए, अजे आका आए नहीं मदीना वस भी पिया। 400 मकान बना दिते गए, उलमा भी इंतजार कर देने, बादशाह भी इंतजार कर देने, नाले कहंदे होणगे खुली रखी असां वाली बारी तू केड़े वेले आना सोनिया, खुली रखी जोग विच बैठ के आका दे जलवियां दा इंतजार पिया कर ले, असी भी ये होई कह रहे हैं खुली रखी असां वाली बारी तू केड़े वेले आना सोनिया, हुन जिंदगी ते मुक चले तू कदों फेरा पाना सोनिया। कोई लब खामोश ना रवे, आओ इन लफ्जां दे नाल भी अर्ज कर लिए, कदिया गरीबा दे महल्ले या रसूल अल्लाह, कदिया गरीबा दे महल्ले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह दी सदा गूंजनी चाहिदी है, कदी आ सोनिया तेरा केड़ा मुल लगदा है, कदी आ गरीबां दे महल्ले या रसूल अल्लाह, कदी आ
पापी ते गुनागारा पर साड़ी दिल दी आवाज़ होई है कदी या गरीबां दे महल्ले या रसूल अल्लाह मैं मन नहीं हा तेरे इश्क यदन में उवैस भी नहीं ते बिलाल भी नहीं मेरा रंग गुरुमी वर्गा नहीं मेरी जामी वर्गी चाल भी नहीं तू बुलावे कदों ते मैं आवा कदों ये जवाब भी नहीं ते सवाल भी नहीं तेरा दर छड़ के मैं जाव किदे एडी सोणिया साडी मजाल ते नहीं कदी या गरीबां दे महल्ले या रसूल अल्लाह कदी आ सरकार दी नजर हो गई है रास्ते साफ बताते हैं क्या पाते हैं अरे फूल शाखों को हिलाते हैं क्या पाते हैं कदिया असा गरीबा दे महल्ले या रसूल अल्लाह गुनाहगारा ने तेरे रान मल्ले या रसूल अल्लाह गुनाह शेख सादी नु दीदार करवान वाले आका खाजा गुलाम मुर्तजा कोल यारा दे नाल आन वाले आका असी भी गुलाम मुर्तजा वाल असी मुर्तजा ही आ असी भी अर्ज करने आ गुनाहगारा ने तेरे रान मल्ले रसूल अल्लाह गूंज पैनी चाहिदी है सजना आओ रल के इस्तगासा पेश करिए गुनाहगारा ने तेरे रान मल्ले मल्ले या रसूल अल्लाह गुनाहगारा असा गुनाहगारा गुनाहगारा ने तेरे रान मल्ले या रसूल अल्लाह 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 बोला बोला या रसूल अल्लाह 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 गुनाहगारा ने तेरे रान चांद तारों में नसीराज बड़ी हल चल है चांद तारों में वो चांद तारे केड़े ने जोक वाले ने ए सितारे ने चांद तारों में नसीराज बड़ी हलचल है यही आसार बताते हैं क्या बातें हैं गुनाहगारा ने तेरे ही मल्ला दी उठे खड़े इंतजार कर देने वाले कहते हैं आ भी जा
ज़ुल्फ़ा वाले आ हुना आवी जा हुना आवी जा हुना आवी जा आवी जा वल्ले ज़ुल्फ़ा वाले आ हुना आवी जा 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 आवी जा माज़ाग नैना वाले आ हुना आवी जा 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 किन वास्ता हसन हुसैन दाई हुना आवी जा 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 आवी जा वल्ले ज़ुल्फ़ा वाले आ हुना आवी जा उत्थे खड़े इंतजार करते ने बादशाह भी इंतजार करते बैठो बादशाह भी इंतजार करता है उलमा भी इंतजार करते ने 400 मकान बना दिते गए ते उन्हां 400 मकानां विचों एक मकान डबल स्टोरी बना दिता गया और जिहड़ा सब तो वड्डा आलमे दीन सी ना उहदे सुपुर्द कर दिता गया तवज्जो जिन्ने मकान बने ना 400 जिन्ने भी बने बादशाह ने जिन्नू जिन्नू दिता ना गल की थी ऐ तेरी मलकी है आ तेरी मलकी है आ तेरा आ तेरा ते जेड़ा बनाया से डबल स्टोरी वो जिन्नू दिता कहन लगा इंदा ख्याल तू करना है अंदाज ही बदल गया वो तर तेरा ते तर ख्याल क्यों ए असल दे अंदर ओदा नहीं सी मुस्तफा दा बनाया गया सी मुस्तफा दा बनाया गया सी अल्लाह अकबर साल हो गया उड़ीक दे नु लेकिन लजपाल नहीं आए उन्हें कौन लगा भी जाना है उन्हें कह कागज कलम ले आओ सलाम भाई थोड़े प्यार ना रखो तुसी गुस्से ना रखो अच्छा मैंने महसूस होया कोरी पा के मेरे पैर लेकिन उन्हें प्यार सी बादशाह ने कागज कलम मंगवाया ते हुजूर दे नाम खाता लिख दिता बादशाह ने कदम कागज कलम मंगवाया लिख दा कि अम्मा बाद या मुहम्मद इन्नी आमनतु बिका व बिकिताब अल्लज़ी नज़्ज़लहु अल्लाहु अलैका व अना अला दीनिका व आमनतु बि रब्बिका व रब्बि कुल्लि शैइन खत लिख के कहंदा सोनिया इत्थे साल हो गए मैं तुहानू व्याह उड़ीकना वा तुसी तशरीफ नहीं लैके आए मैं हुणे कहना वा मैं हुणे ही तुहाडा नौकरा मैं अज तुहानू भी मनना वा तुहाडे दीन नू भी मनना वा जिहड़ी किताब आवेगी उहनू भी मनना वा अल्लाह नू भी मनना वा कहंदा ए लिखदा कि तवज्जो लिखदा कि ए सोणिया अगर मैं अपनी हयाती विच तुहानू पा लवा बड़ी चंगी गल है वइलम उदरी का फशफाली यौम अलकियाम अगर सोणिया तुहाडिया तो पहला मैं मर जावा कयामत वाले दिन मेरी शफात कर आज कयामत वाले दिन मेरी खत किने लिखिया थक गए हो बस कर दईए मैं ते हुण इंज महसूस करना जिवें खुतबा हुण शुरू कीता लेकिन थोड़ा जौक तो सेकल उच्चा करके बोलो सुभान अल्लाह एक वजह नाल है ये रात दा ओ टाइम है जिथे रब दी रहमत आवाजा मार दी है को मंगल वाला मैनू देवा हाय हाय यो वेला है दुनियादारा दे सौन दा वेला ते अल्लाह वाले दे जागन दा वेला है
असि जागे पे अल्हम्दुलिल्लाह निगाहां हो गईयां ने केला जी नूं नींद आ रही है ना 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 गुंबदे खजरा ते नजरां जम गईयां ने उहने खत लिखिया आका दी आमद तो 1000 साल पहले खत लिखिया जिहड़ा सब तो वड्डा आलम दीन सी उहनूं पकड़ा दित्ता लै रख लै तेरी हयाती विच आ जाना ते दे देवीं ते ना आन ते अपनी नस्ल नूं दे देवीं अगे अगे पहुंचदा रहे अमर अली अपनी नस्ल जिवें जिवें अपनी नस्ल नूं वसीयत करदा जाए पहुंच जावे वक्त आया 1000 साल तो बाद मक्के दी सरजमीन ते आमना दा चन्न तुलू होया अल्लाह अकबर वक्त आया हुण ओह जिहड़ा खत सी ना नस्ल दर नस्ल मैं पढ़ा एक ही वास्ते नस्ल दर नस्ल चलदा 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 हजरत अबू अय्यूब अंसारी कोल आ गया हजरत अबू अय्यूब अंसारी बिल्कुल तुसीं कह नहीं जांदे अल्लाह सलामत रख मैं तो खलोता वा तुहाडे सारिआं दे हिस्से दा मैं अज इस्लामी भाई मैनू ना बाज तेरी मेहरबानी अज मैं खलो के बड़ी देर तो बाद उर्स मुबारक तो बाद अगर तकरीर खड़ी होके की थी तो मैं हुण करन लगा उन्हें तो बह के करी दी वेलियो तुहानूं तो वैसे मसला कोई नहीं मैं खलोता रहा बस ठीक मैनूं जो कोई वजह तो इन्हां दा मकाम फिर ज्यादा है सब तो ज्यादा मैं नहीं कह रहा लेकिन आम नालों बहुत ज्यादा है क्योंकि यह निस्बत हासिल होगी ना खत वाली शब रोज गुजरते रहे गुजरते रहे सरकार दी आमद हुई वक्त आया सरकार मक्का पाक तो निकले ते हिजरत फरमा के आन लग गए ने मदीना शरीफ हालात उतों तो जिवें दे भी बन गए वो तफसील मकसूद नहीं सरकार आ रहे ते राह च आंदियां भी मेहरबानियां करदे आए ने मेहरबानियां करदे आए ने हाय हाय कंबली वाले दे रामा तो कुर्बान मैं जिधरों लंघदा गया दिन चढ़ाउंदा गया अल्लाह मेरे आका जा रहे हैं राह च ना दो चोर खलोते हैं दो चोर खलोते हैं चोर हर थां ते ही होंदे ने चोर महफल ते भी होंदे ने जान लगे जुत्तियां चुक के लै जांदे ने अल्लाह पाक हिदायत देवे जिहड़ा जुत्ती चुकन दी नीयत नाल आया ना खबरदार किसे ये जुत्ती चुकी इत्थे गुलाम जुमा पढ़न आंदे ने उहनां दी चुकी जांदी महफल ते आंदे ने जुत्ती चुकी जांदी डरदे घरों वेली टूटी जुत्ती पा के आंदे ने चंगी भली सॉफ्टी लाह आंदे ने यार उत्थों किसे चुके लैणी रहिंदे नवीं लै जांदे पता हुंदा पैरां च आ जावे ना जुत्ती पता है अपनी कि बगानी है लेकिन आंदा है जिहनूं चंगी लभ जांदी आंदा अज ते बख्त बड़े कम कीते ने चंगी जुत्ती लभ गई खैर दो चोर खलोते ने माल लुटन वाले उन्हें सारी उम्र लुटिया ही सी उन्होंने ऐसी सानू कौन ही लुट सकता आज जड़ी दिलानू लुटन वाली हस्ती ना वो भी सामने आ रही है हाय हाय जिन्हें साढ़े दिलानू लुटिया है ना जड़े ऐसी बैठे हैं लुटी दिलड़ी मेरी डोलन अरब अल्लाह अकबर खड़े सोने वजह मैं उन्हें जो थोड़े पढ़ के वेलो आया वहां मैं फिर शेर तो मुकदे ही नहीं फिर तुम आखना शार ही शेर ही सुना के चले गए मौजू अजे अगे जी मौजू वेखो तो सही उन्हें वेख्या ना ते फिर जरा एक बार वेंदा सी फिर वेंदा ते रहिंदा सी एवें खड़े ने ते नाल दे नूं अरक मार के कहन लगा वो वेख कौन लगा ते ये तो कोई यमनी लगे आते अल्लाह वो गल्लां पिया करदे ना सरकार नेड़े आ गई सरकार ने फरमाया कौन जे तुसीं बोलन दी हिम्मत ही ना रह गई सरकार ने फरमाया ना की तुहाडा उन्हें नाम अपना दसिया हुजमान या इस तरह का कोई नाम दसिया जिंदा मतलब बनता सी जलील असी जलील फेरी ना दिल बदल गया सरकार ने दिल उन्होंने लुट लिया कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए सरकार ने फरमाया तुम हम जलील नहीं आई तो बाद इज्जत आले हो गए हो इस तरह दिन चढ़ाते आ रहे हैं उधर मदीने वाले नो खबर होगी माही आ रहे हैं माही आ रहे हैं अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु तआला नो सरकार दे नाल नाल ने रिवायात अंदर आंदा मेरे आका नो प्यास लगी वेखे
एक छेड़ू बकरियां प्याचारदाए मेरे आका ने फरमाया अबू बकर पूछे नु अगर कुछ पीने वास्ते मिल जावे अबू बकर सिद्दीक उस छेड़ू दे कोले आए ने फरमाया नौजवाना कुछ पीने वास्ते मिलेगा तेरे कोलों कह लगा कुछ नहीं हैगा मेरिया जिन्या भी बकरियां ने दुध दे नहीं सकदियां एक भेड़ मौजूद है जिदा दुध भी खुश्क हो चुके आए मेरे आका भी आ गए मेरे आका ने फरमाया भेड़ दे दे कह लगा जी दुध कोई नहीं फरमाया देना तेरा कम है दुध लेना मेरा कम है मेरा कम है भाई सरकार ने अपने हाथों नु जदो दे थना नाल लगाया अल्लाह ने जन्नत दी दुध दी नहर दा मुंह यकीन ने इधर कर दिता होवेगा मेरे आका ने चोया पहले उस छेड़ू नु पिलाया फिर अबू बकर नु पिलाया फिर मेरे आका ने आप नोश फरमाया वो छेड़ू वेखी जांदा है वेख वेख के लगा तुसी कौन हो फरमाया मैं अल्लाह दा नबी हां मैं रब दा नबी हां कह लगा जी तुसी ओई दे कुफार मुशरिकीन कुरैश वाले जिन्ना दे बारे कहंदे ने अपने बाप दादे दे दीन नु छड दित्ता सु फरमाया हां मैं ओ होया कह लगा जी देर ना करो जिवें इन्हां नु गुलाम बनाया जे मैनू भी बना लवो गुलामी दी सनद हासिल कर ली अल्लाह दे नबी अगे जा रहे मदीने वाले इंतजार कर देने इंतजार कर देने मक्का पाक तो मदीना पाक दा सफर पैदल चलियां ते 12 दिन लग देने जदों दिन गुजर गए ने मदीने वालियां दी तड़प दे अंदर इजाफा हो गया सोना कदों आवेगा बाहर निकल निकल के इंतजार कर देने मैं बात इख्तसार वाल लेके आवां अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा दे अंदर तशरीफ लेके आ गए ने चंद दिन मेरे आका ने उत्थे गुजारे मेरे आका ने इरादा फरमा लिया हुन मदीने जाना है मदीने वालों नु पता लग गया सरकार आ रहे ने मदीने वाले लोगों ने अपने अपने जनाबे आला घरां नू सजाना शुरू कर दिता अपने अपने घरवार सजाने शुरू कर दिते हर एक दी मर्जी है वे सरकार मेरे मेहमान बन जान सरकार मेरे वेड़े आ जावन मैं थोड़ा जिन्ना इत्थे रुक के तुहानू पिछे लै जावां हुण चूंकि अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु दे कोल खत सी जिहड़ा बादशाह दा नसल दर नसल आ रिहा सी अल्लाह दे नबी मक्का पाक तो चले ने अबू अय्यूब अंसारी नू पता लगा सरकार आ रहे ने ओना मशवरा कीता खत मेरे कोल सरकार दे इत्थे आने तो पहला खत आका नू पुछाना है हुन की करिए अब्दुल रहमान इब्ने औफ ते पहुंच चुके ने ओ कहन लगे ऐ अबू अय्यूब जड़ा काबिल एतमाद बंदा है ओनू खत दे दे नबी दी जात नू जाके दे आवेगा ओ बंदा जिनू खत दिता ओदा नाम अबू लैला है अबू लैला नू अबू अय्यूब अंसारी कह लगे ले जा जिथे सरकार मिलन उथे खत दे देवी अबू लैला ने सरकार नू अज तक वेख्या ही कोई नहीं अबू लैला सरकार नू खत देण वास्ते जा रहा है रस्ते दे अंदर एक मकाम ते आका नाल मुलाकात हो गई आका बैठे होए ने ए अबू लैला भी उथे आ गया सरकार ने जद वेख्या वेख के फरमाया अंता अबू लैला क्या तू अबू लैला है ओ हैरान रह गया मेरा नाम इन्हों किवें पता है मैं तो इन्हों मिलया पहली बारी हाँ ये मेरा नाम किवें जान देने अबू लैला बोलिया कह लगा तुसी जादूगर भी कोई नहीं जे लगते जादूगर का एडा सोना चेहरा हो नहीं सकता तुसी कौन हो सरकार ने फरमाया अबू लैला मैं ओ होया जिदा खत लैके आया मुस्कुराहट आ गई सरकार ने फरमाया मरहबा 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 ओ मतलब की खुशामदीद ऐ तू पा खुशामदीद तेनू मुबारक होवे मैं तेनू अपनी गुलामी के अंदर कबूल कर लिया है।